से कम मिट्टी तो कम कम भर, इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, कितनी कम कम मिट्टी भरूं आपकी डोगरी में? अगर मैं ज्यादा मिट्टी आपकी डोगरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है और 2 दिन में खुदाई करके देना है। अगर मैं ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल मिट्टी की खुदाई कर रहे हो, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने? अरे मोदी जी 1000 रुपए में योगी जी से ठेका लिया है मैंने ये मिट्टी खुदाई का। सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेकिन राहुल 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था, अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल तो मो सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250-250 रुपए का काम होगा चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी 250-250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा, मेरा तो 500 रुपए का काम होगा क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया के जल्दी पानी लेकर आ जाना, काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो, वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले अकेले वहाँ दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी एक बात बताओ, मैं काम करूँ कि नहीं करूँ इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती है? अरे मायावती जी मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहाँ पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाबा रामदेव जी सोनिया जी बड़े अच्छे करेले बेच रही हैं, आज करेले की सब्जी बनाएंगे। सोनिया जी से 1 किलो करेले ले चलते हैं। सोनिया जी करेले क्या रेट बेच रही हो? अरे मोदी जी आप भी क्या सौदाबाजी करोगे, 1 किलो करेले ले लो, जो पैसे देना चाहते हो दे देना। नहीं मोदी जी कह देता हूँ, खाऊंगा तो मैं कटहल ही कटहल लूंगा। मायावती जी से कटहल ले लो 1 किलो। बहुत दिन से कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है मेरा, करेले नहीं खाऊंगा बिल्कुल मैं। मोदी जी बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कटहल बहुत अच्छा है, 1 किलो कटहल ले लो, करेलों से सस्ते रेट में लगा दूंगी। बाबा रामदेव जी मैं कह देता हूँ आपसे, कटहल को कल को खा लेना, कटहल की सब्जी कल बना लेंगे अपना, आज तो मैं करेले ही खाऊंगा, करेले खाने का मन कर रहा है मेरा। मन का क्या है मोदी जी, मन तो मेरा कटहल खाने का कर रहा है। आप बताओ आप कल को करेले खा लेना अगर आपका करेले खाने का मन कर रहा है। जो भी सब्जी आज सस्ती मिलेगी वो ही पकाएंगे, चाहे करेले सोनिया जी से सस्ते मिल गए तो करेले पकाएंगे, अगर मायावती जी ने कटहल सस्ता दे दिया तो कटहल पकाएंगे आज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे तो कटहल ही खाना है, चाहे भले ही कटहल करेलों से महंगा हो। क्या बाबा रामदेव जी आप भी कटहल खाने के पीछे पड़े हुए हो? करेले खाओ, मेरे करेले बहुत अच्छी है, सस्ते रेट में लगा दूंगी, 5 रुपए किलो। देखा बाबा रामदेव जी, सोनिया जी 5 रुपए किलो करेले बेच रही है, खाकर मजा आ जाएगा करेलों को। अरे मोदी जी मैं भी कटहल कौन सा महंगा बेच रही हूँ, 4 रुपए किलो कटहल। अब बोलो मोदी जी अब आपके पास कोई जवाब है? करेलों से सस्ता तो कटहल दे रही है मायावती जी, कटहल ही खाऊंगा मैं तो। अरे मायावती जी ये कटहल पूरा का पूरा मुझे तोल दो, जितना किलो भी बैठे, और पैसे ले लो, पैसे बता दो, आज तो मैं कटहल की ही सब्जी खाऊंगी। अरे मोदी जी मैं कह रहा था कि कटहल ही खाऊंगा, कटहल ही खाऊंगा, आपने कटहल लेकर नहीं दिया, वो देखो मायावती जी से कटहल ममता दीदी ने खरीद लिया, बिक गया कटहल। अब मैं करेले भी नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी खरीदो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कटहल बिक गया, कटहल तो मुझे आज खाना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, करेले भी नहीं खाते। सोनिया जी आपके पास कोई दूसरी सब्जी है? आलू है, आलू आलू दे दो अगर आलू हो आपके पास। है मोदी जी आलू है, राहुल आलू के बोरे में से आलू तोल के दे दे, आलू के बोरे पर बैठा पड़ा है। मम्मी जी थोड़ी देर भी आराम से बैठने नहीं देती हो। मोदी जी बताओ कितने आलू लोगे, बोरे में से आलू तोल के दे दूं आपको। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उतरो सब लोग, उतरो मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली में से, सब लोग उतर जाओ, शहर आ गए आप। और ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरने के बाद 5-5 रुपए किराया सब निकालो जल्दी। मैं तुम सब लोगों को गांव से शहर अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा के लाया हूँ, किराया 5-5 रुपए है। अरे मोदी जी कैसे उतरूं आपके ट्रैक्टर की ट्रॉली पे से, यहाँ नीचे तो कीचड़ है, ट्रैक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ या कीचड़ से हटाओ।
अरे ममता दीदी, यहाँ पर इतनी दलदल तो है नहीं कि आप कीचड़ बता रही हो। थोड़ा सा पानी पड़ा है, यहीं पे उतर जाओ। मैं अपनी ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकता। अरे मोदी जी, किराया तो आप पूरे 5 रुपए मांग रहे हो हमें गांव से शहर लाने का, और यहाँ पर पानी में उतार रहे हो। ट्रैक्टर को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ। ममता दीदी, आप इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे से बिल्कुल मत उतरना जब तक ये मोदी जी ट्रैक्टर की ट्रॉली को थोड़ा सा आगे ना बढ़ा दे। अरे सूखी जगह में कर लो ट्रैक्टर को। अरे मोदी जी, ये क्या नाटक लगा रखा है? अपने ट्रैक्टर को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ। अरे आपके ट्रैक्टर की ट्रॉली पे मेरी मम्मी जी, ममता दीदी, मायावती जी और प्रियंका हैं। अगर वो यहाँ पर उतरेंगी तो नीचे पानी है, कीचड़ सी है। अगर वो नीचे उतरेंगी तो भीग जाएंगी गंदे पानी में। और वो गांव से यहाँ पर शहर आई है, नए नए कपड़े पहनकर आई है, उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे मोदी जी, आप किराया तो पूरे 5 रुपए ले रहे हो, ट्रैक्टर को थोड़ा सा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, बताओ। राहुल, तुम इतनी देर से गदर मचा रहे हो, कम से कम मेरी बात भी तो सुनो। ममता दीदी और सोनिया जी भी बोले जा रही हैं, मेरे ट्रैक्टर के आगे तो देखो भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। 1 इंच भी मेरा ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। और तुम्हें यहाँ पर उतरना ही है क्योंकि शहर आ चुका है, इसीलिए तुम यहीं पे उतर जाओ। मेरा ट्रैक्टर तो जाम में फंस चुका है, क्या पता कितनी देर में आगे बढ़े। तुम्हें यहाँ पर कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। हाँ राहुल भैया, मोदी जी सही तो कह रहे हैं, जब उनका ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता, देखो जाम लगा हुआ है। आप इधर देख रहे हो, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं आपने। तो जब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं, अपने लोगों को यहीं पे उतरना पड़ेगा। ममता दीदी, मम्मी, आराम से उतर जाओ पानी से बच के, नहीं भीगोगी गंदे पानी में। प्रियंका, तुमने बिल्कुल सही बात की। अब ये बताओ, जब ट्रैक्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता तो मैं ट्रैक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? जब मैं तुम्हें गाँव से शहर 50 किलोमीटर ले आया तो थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाऊंगा? आगे देखो जाम लगा हुआ है। अब मोदी जी हमें एक बात और बता दो, हम शॉपिंग करने के बाद जब वापस आए शाम को तो आपका ट्रैक्टर कहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि वापस हमें गांव भी तो जाना है, बता देना हमें। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।